लेकिन आपने खुद रिपोर्ट जाके की है वहाँ पे, जो उसका दायरा जो जहाँ पे जो लगा हुआ है टोल प्लाजा सरोल टोल पे, वहाँ के उसके आगे पीछे 200 मीटर के नज़र मार के देखेंगे तो खड्डे ही खड्डे नज़र आ रहे हैं। और जो उन्होंने वहाँ पे लेंस बनाई हुई हैं, 4 लेंस बनी हुई हैं, तो 2 वो चलाते हैं, 2 वो बंद रखते हैं, इससे वो रश ज़्यादा पड़ जाता है। तो रश पड़ने से क्या फ़ायदा, लोगों को परेशानी हो रही है, ये ऐसे ही टोल प्लाजा लोगों को हरासमेंट करने के लिए। टोल प्लाजा तो जहाँ से उखाड़ देना चाहिए, जहाँ से ले जाना चाहिए कहीं हो, लेकिन लेके नहीं जा रहे, यहाँ से यहीं पे रख रहे हैं। तो कम से कम लोगों को अच्छी सुविधाएं दें, लोगों को परेशानी ना करें, लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए ना, 4 लेने बनाई लेकिन 2 लेने चला रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं जो खोलते हैं तभी वो गाड़ी, किसी की गाड़ी डंपर बज रहा है, किसी का आगे बज रही है, किसी के पीछे बज रही है, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। इस पर ध्यान प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये लोग टोल, और जो उन्होंने वहाँ पे लेंस बनाई हुई हैं, 4 लेंस बनी हुई हैं, तो 2 वो चलाते हैं, 2 वो बंद रखते हैं, इससे वो रश ज़्यादा पड़ जाता है। तो रश पड़ने से क्या फ़ायदा, लोगों को परेशानी हो रही है, ये ऐसे ही टोल प्लाजा लोगों को हरासमेंट करने के लिए। टोल प्लाजा तो जहाँ से उखाड़ देना चाहिए, जहाँ से ले जाना चाहिए कहीं हो, लेकिन लेकिन नहीं जा रहे, यहाँ से यहीं पे रख रहे हैं। तो कम से कम लोगों को अच्छी सुविधाएं दें, लोगों को परेशानी ना करें, लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए ना, 4 लेने बनाई लेकिन 2 लेने चला रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं जो खोलते हैं तभी वो गाड़ी, किसी की गाड़ी डंपर बज रहा है, किसी का आगे बज रही है, किसी के पीछे बज रही है, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। इस पर ध्यान प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये लोग टोल ले रहे हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि प्रॉपर जो रोड है उसको एकदम से ठीक किया जाए और एक्सीडेंट जो है ये ना हो, क्योंकि जब किसी का जाली माली नुकसान होता है तो बहुत बड़ी उस परिवार को जो है वो संघर्ष करना पड़ता है पूरी लाइफ टाइम के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बात बताऊँ मेज़र, कि ये जो टोल लगा हुआ है, JK 21 नंबर वाली गाड़ियाँ फ्री हैं, ये फ्री हैं, ये फ्री करवाई गई हैं। एक टाइम था जब संघर्ष किया था तो JK 21 नंबर वाली गाड़ी फ्री करवाई थी। आज भी लोगों की कंप्लेन है वहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न ये है कि 2009 में जब ये RTO ऑफिस नहीं बना था हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जिन लोगों के पास 2009 मॉडल की गाड़ियाँ हैं अभी भी उन लोगों को तंग किया जाता है, अभी भी उनके साथ गुंडागर्दी होती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि LG साहब से कि एक तो यहाँ मैं तो ये कहता हूँ कि साफ साफ यहाँ से टोल इसको यहाँ से हटा दिया जाए और इसको कहीं दूर लिए शिफ्ट किया जाए और रोड जो है इसको एकदम क्लियर किया जाए, क्योंकि अगर रोड लोग टैक्स दे रहे हैं, लोग अगर पे कर रहे हैं, दोनों साइड से लोग टैक्स देते हैं, तो ये जो बड़े बड़े खड्डे बने हैं, ये इतना बड़ा हादसे जो हैं वो अभी हो भी रहे हैं, आप मीडिया में भी चलती रहती है न्यूज़, तो कई लोगों की जाने जा रही हैं और वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं। तो ये पत्थर हटा दीजिए, इसको प्रॉपर तरीके से सही ढंग से जो टोल है उसको बनाएं, और इसको जैसे बाहर में टोल देखता हूँ, आप लुधियाने में चले जाओ, पूरी फैसिलिटी है वहाँ पे। अगर वहाँ पे किसी गाड़ी को, मान लीजिए किसी गाड़ी पे आग लग जाती है, तो वहाँ पे आग बुझाने वाला पूरा सिस्टम रखा हुआ है, एम्बुलेंस वहाँ पे है, बाथरूम वहाँ पे है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सिर्फ पैसे की लूट खसूट जो है वो बिल्कुल हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस जो रोड है हमारा नेशनल हाईवे है, इसको एकदम से साफ और बिल्कुल सही ढंग से